नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं तमिलनाडु के शहर मदुरई में। और जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, पीछे है इंडिया के सबसे ज़्यादा बड़े टेंपल्स में से एक, मदुरई का मीनाक्षी टेंपल। देखो, इससे पहले कि हम मीनाक्षी टेंपल के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करें, हम थोड़ा सा मदुरई शहर के बारे में जानते हैं। मदुरई जो है वो तमिलनाडु का तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा शहर है। मदुरई जिसे थुंगा नगरम भी कहा जाता है, यानी सिटी जो कभी सोती नहीं है, जो तमिलनाडु की कल्चरल कैपिटल भी है। इतिहास में मदुरई का जिक्र किया है चंद्रगुप्त मौर्य की जो कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थिन्स, उन्होंने जिक्र किया है और कौटिल्य ने भी जिक्र किया है। गांधी जी की एक फेमस घटना है मदुरई से संबंधित जो मैं आपको बताता हूँ, जिसके कारण यहाँ पर मदुरई खादी बहुत ज़्यादा बिकता है। क्या है वो घटना? देखो, एक बार चेन्नई से मदुरई गांधी जी जा रहे थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ जो खेती में काम करने वाले मजदूर हैं, उन्होंने विदेशी कपड़े पहन रखे हैं। और गांधी जी, आपको पता है, हमेशा स्वदेशी प्रमोट करते थे। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि भैया, आप ये जो खादी है वो क्यों नहीं पहनते? तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि जो खादी है बहुत महंगा मिलता है। 1921 की एक घटना है। उसके बाद गांधी जी ने एक लोयन क्लोथ पहनना स्टार्ट कर दिया, यानी एकमात्र कपड़ा जो वो अपने कूलों के चारों ओर लपेटते थे। तो ये तब की घटना है, 1921 की, वो मदुरई से जुड़ी हुई है, इसलिए मदुरई में खादी भी आपको देखने को मिलता है। और जो मदुरई है, देखो, ये वेगई रिवर के किनारे पर है। वेगई रिवर आपको पता है कुछ दिनों पहले सुर्खियों में थी, क्योंकि देखो, मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्री विल्लुपुथुर दोनों को ना सरकार ने टाइगर रिजर्व अनाउंस कर दिया था। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस देखो बहुत ज़्यादा है। वेगई रिवर के पास आज के समय में सिर्फ जो 20% पानी है ना, वो सिर्फ इसके कैचमेंट एरिया से आता है। बाकी 80% जो पानी है वो तो पेरियार डैम से आता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं अंग्रेज रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? अंग्रेजों ने ना मेघामलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस समय तो नहीं था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उस समय उन्होंने पेड़ों को बहुत ज़्यादा अंधाधुंध काटा। इससे जो कैचमेंट एरिया है मेघामलाई रीजन का, वो खत्म हो गया। कैचमेंट खत्म, एरिया खत्म हो गया, तो पानी मिलना खत्म हो गया उस रिवर को। तो मजबूरी में पेरियार डैम जो है वहां से पानी लेना पड़ा। अब हम बात करते हैं इस टेंपल के आर्किटेक्चर की। देखो, अभी जब हम घूम रहे हैं ना, टेंपल के चारों ओर घूम रहे हैं, डर्विडियन आर्किटेक्चर का ये टेंपल है, मीनाक्षी टेंपल। और जैसा कि आपको पता है, जो डर्विडियन आर्किटेक्चर के टेंपल्स होते हैं, उनके चारों ओर एक बाउंड्री होती है, और बाउंड्री के चारों ओर अभी हम चक्कर काट रहे हैं। डर्विडियन आर्किटेक्चर के जो टेंपल होते हैं, उसमें बड़े बड़े गोपुरम्स होते हैं। आप देखोगे तो गोपुरम्स जो मीनाक्षी टेंपल के हैं ना, यहाँ से दिखेगा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। जो पुराने समय में साम्राज्य होते थे ना, उसकी कितनी ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंस है, वो इस बात से पता लगता था कि गोपुरम कितने ज़्यादा बड़े हैं। तो मीनाक्षी टेंपल में ना टोटल 14 गोपुरम्स हैं, जिसमें से चार तो बहुत बड़े हैं, साउथ टावर, वेस्ट टावर, ईस्ट टावर एंड नॉर्थ टावर। और जैसा कि डर्विडियन आर्किटेक्चर में एक पौंड जरूर होता है, तो मीनाक्षी टेंपल में भी एक पौंड है। और टेंपल है किसका? देखो, गोडेस मीनाक्षी जो कि पार्वती की फॉर्म है, उनका ये टेंपल है। और गॉड सुंदेश्वर जो भगवान शिव की एक फॉर्म है, उनका भी मतलब अलग से सैंक्टम में उनकी मूर्ति रखी हुई है गर्भगृह में। और देखो, मदुरई जो पूरी की पूरी सिटी है ना, वो इसी टेंपल के इर्द गिर्द फैली हुई है। मतलब ये एक टेंपल सिटी है। ना पुराने समय में ना सिर्फ जो टेंपल होते थे वो रिलीजियस साइट होते थे, बल्कि इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो कामकाज है वो भी इनके द्वारा देखा जाता था। वैसे ये टेंपल बनवाया किसके द्वारा गया? देखो, शुरुआत में तो 12वीं सेंचुरी के लास्ट में और 13वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो कुलशेखर पांड्या थे, उनके द्वारा ये टेंपल बनवाया गया। लेकिन असल में जो आज का जो टेंपल का स्ट्रक्चर है, वो देखो बना, आकार लिया 16वीं और 17वीं शताब्दी में, जब थिरुमलई नायक जो थे वो शासक थे यहाँ पे। नायक के शासन में ज़्यादा ये फला फूला। और जो टेंपल का जो मंडप है ना, मंडपा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, 1000 पिलर्स के नाम से जिसे जाना जाता है। अभी तो सिर्फ 985 यानी 985 जो पिलर्स हैं वो बचे हैं। और ख़ास बात ये है, किसी भी एंगल से आप देखिए, सारे जो पिलर्स हैं ना, आपको एक सिंगल लाइन में दिखेंगे वहाँ पर। और अंदर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। 2017 में एक सर्वे भी हुआ था, क्लीनिनेस इज सर्विस, और उस सर्वे में इस टेंपल को सबसे ज़्यादा साफ
आइकॉनिक प्लेस का स्थान दिया गया था। तो जब भी आप देखो यहाँ पर आपका आना हुआ तो इस मीनाक्षी टेम्पल में आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी अच्छा टेम्पल है और भारत की जो हेरिटेज है, विरासत है, उसका एक अद्भुत नमूना है। थैंक यू। तो टेम्पल जो है देखो सारे कितना मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं।